नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा गुंडों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में थाना पवासा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने यहां एक युवक को गिरफ्तार किया जिसके पास से दो मुहा सांप चकलौन बरामद किया है। थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक दो मुहा सांप चकलौन बेचने जा रहा है। पुलिस ने युवक के मक्सी रोड मनवासा के गढ़पुरा स्थित घर पर दबिश दी और दो मुहा सांप चकलौन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक का नाम अरुण पिता करण सिंह मोगिया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दो मुहा सांप चकलौन वन विभाग को सौंप दिया है। यहां थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, वीरेंद्र जाट व विनोद ठाकुर ने अपनी टीम के साथ दबिश दी थी। सर बताइए मुझे कि आपने जो चकलौन दो मुहा सांप पकड़े हैं उसकी सूचना आपको कैसे लगी है? क्या है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गुंडा विरोधी अभियान में गुंडे और एच एस चेकिंग करने के लिए हम लोगों की एक पार्टी लगी हुई थी। पार्टी गुंडे एच एस चेकिंग करने के लिए गलपुरा पांड्याखेड़ी पवासा क्षेत्र में गई थी। वहीं पे एक मुखबिर द्वारा सूचना दी कि फला एक अरुण नाम का व्यक्ति है जिसके घर पर दो मुआ सांप है। जाकर उसके घर पर देखा तो उसने दो मुआ सांप अपने घर पर रखा हुआ था, जिसको लेकर तत्काल थाने पर ले गया और फॉरेस्ट विभाग को उसकी सूचना दी। और कैसे पकड़ा आपने उसे? मुखबिर सूचना से पकड़ा है। अच्छा, और कुछ सामग्री है कि सिर्फ? नहीं, केवल एक चकलौन सांप था। इसके अलावा कितने आरोपी पकड़ा है? उसमें एक आरोपी मिला है। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।